हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल बोर्ड। मेरा नाम है विशाल वाजपेयी और इस वीडियो में हम लोग एक्सेंचर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। तो ये लेटेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय सितेज। हेलो सर। सितेज यार, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो अपने बारे में, छोटा सा। ओके, सो माय नेम इज रितेज, करंटली परसिंग बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन एजीपीएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती महाराष्ट्र with the CGPA of 8.4. That's it. Sritesh, what is your branch? My branch is computer science. And your batch is 2022, right? Yes. So in what month you have applied for this Accenture Drive? I applied for in March 15, I think 15, I guess 16. And I got mail from Accenture in 29 March, and the mail shown that the usme unhone bataya the pre placement talk rahega, to ek tar 29 March ko pre placement talk hua, uske baad fir ek ko mera paper schedule hua, aur uske baad fir aaj that is 8 tarikh ko 8 March 8 April ko interview schedule tha, hai na? Ha ha, sorry 1 April ko mera paper hua aur आज इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। अच्छा, तो थोड़ा सा इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर दो अपना कि कैसे हुआ था, क्या क्या चीजें उन्होंने पूछी थी, टेक्निकल क्वेश्चन, मतलब किस तरफ वो इंटरव्यू का क्या कहते हैं कि झुकाव ज्यादा किस तरफ था, टेक्निकल साइड था या एचआर साइड था, और कौन कौन से क्वेश्चन थे। उन्होंने थोड़ा टेक्निकल भी पूछा। अब पहले मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी देखे थे एसेंचर के इंटरव्यू के, तो बहुत से लोगों ने बोला था कि वो थोड़ा प्रोजेक्ट पे वर्क करते अपने प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछते, तो मैं भी थोड़ा उस हिसाब से प्रिपेयर होके गया था। लेकिन फर्स्टली उन्होंने पूछा, फर्स्टली द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी अबाउट माय इंट्रो, फिर मैंने मेरा इंट्रो होने के बाद उन्होंने मुझे उनके पास एक्चुअली पहले से मेरा रेज्यूमे था, तो उसमें रेज्यूमे में उन्होंने एक दो चीजें, मैंने एक इंटर्नशिप की हुई है थर्ड ईयर में साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, तो उन्होंने उस इंटर्नशिप के बारे में पूछा कि आपको कहाँ पे मिली हो, आपने कहाँ अप्लाई किया, उसमें आपको क्या क्या सिखाया, क्या मॉड्यूल सिखाए, फिर जो कोई आपको टास्क दिया है क्या उसमें। तो सेकंड क्वेश्चन उनका ये था कि आपको इंटर्नशिप कहाँ मिली, फिर मैंने वो बताया रिगार्डिंग उसके रिगार्डिंग जो, और थर्ड क्वेश्चन उनका ये था कि आपको इंटर्नशिप में क्या सिखाया, तो फिर मैंने बताया उनको मुझे साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड टूल्स वगैरह उन्होंने उस इंटर्नशिप में सिखाए, तो मोस्ट ऑफ द उन्होंने वो इंटर्नशिप का मेरे रेज्यूमे में लिखा था, तो उस अकॉर्डिंगली पूछा। देन फोर्थ क्वेश्चन ही आस्क्ड मी अबाउट डू यू नो व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल, सो आई सिंपली सेड दैट आई एम कंफर्टेबल इन जावा एंड पाइथन, सो द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी अबाउट टेल मी द डिफरेंस बिटवीन जावा एंड पाइथन, सो आई टेल द डिफरेंशिएट लाइक द पॉइंटर्स जावा हैव्स पॉइंट जावा डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर एंड पाइथन सपोर्ट्स पॉइंट्स एंड ऑल। उसके बाद उन्होंने पूछा व्हाट इज ओओपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग आंसर दिया। तो उसके बाद उन्होंने एक टेक्निकल में ऐसा क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, सो मैंने उनको उसका आंसर दिया कि हाइडिंग अनरिलेवेंट डेटा फ्रॉम यूजर्स कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन, और थोड़ा उसे एलाबोरेट किया। तो फिर उसके बाद उन्होंने बस थोड़ा मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में तो कुछ नहीं पूछा, लेकिन एक और क्वेश्चन किया कि आपके जो बी में या इंजीनियरिंग में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, तो मैंने बताया कि ऐसे कोई फेवरेट नहीं था, लेकिन ऐसे दो तीन सब्जेक्ट के नाम बताए, लाइक प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी हुआ, वेब इंजीनियरिंग हुआ, वेब टेक्नोलॉजी हुआ। तो फिर वो बोले वेब टेक्नोलॉजी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उसमें आपने क्या पढ़ा, तो फिर मैंने उस अकॉर्डिंगली उनको आंसर्स बताए, एंड वो बोले फिर व्हाट आर द न्यू टेक्नोलॉजी दैट यू आर शोइंग इन लाइक 2015 से कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है आईटी वर्ल्ड में, तो फिर मैंने बताया मेटावर्स के बारे में बताया थोड़ा, तो फिर उन्होंने बोला, सो फिर उन्होंने राउंड ऑफ 7 to 8 क्वेश्चन किए मुझे, दो तीन मेरे इंटर्नशिप के रिलेटेड है, दो तीन एचआर टाइप क्वेश्चन थे और दो टेक्निकल क्वेश्चन थे। उसके बाद जस्ट सिंपली उनका लास्ट क्वेश्चन यही था कि एनी क्वेश्चंस फॉर मी, सो मैंने उनको जो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट एसेंचर दे रहा है, तो उस रिगार्डिंग पूछा कि उसमें क्या रहेगा। सो या दैट्स ऑल।
अच्छा तो ऋतिज, क्या तुम थोड़ा सा एचआर क्वेश्चन जो उन्होंने पूछे इसके बारे में थोड़ा सा एलिबोरेट कर सकते हो कि व्हाट आर द एचआर क्वेश्चन? यस, एचआर में उन्होंने सिर्फ दो ही क्वेश्चन पूछे। फर्स्ट दैट मतलब आपके आपकी हॉबीज वगैरह क्या है, तो फिर मैंने सिंपली बता दिया आई लव ड्राइविंग एंड ऑल, तो उसके बारे में उन्होंने कुछ ज्यादा पूछा नहीं। और मेरे रेज्यूमे में मेंशन था कि मैं अपने कॉलेज का हेड, मतलब टेक्निकल डिपार्टमेंट का जो एनुअल कॉलेज मैगजीन रहती है उसमें मैंने वर्क सक्सेसफुली कंप्लीटेड वैल्यूएबल वर्क एज ए सेक्शन हेड इन एनुअल कॉलेज मैगजीन, तो उन्होंने वो एक्स्ट्रा करिकुलम में वो पूछा सिर्फ। तो उसके बाद तो फिर एचआर में बाकी कोई क्वेश्चन नहीं किए उन्होंने, बस मुझे उनका तो मेन फोकस, हाँ उनका मेन फोकस था कि आपके जो बीई में आपका फेवरेट सब्जेक्ट उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, मेरे इंटर्नशिप के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे और एक दो ऐसे रैंडम क्वेश्चन पूछे बस। सिंथेज, अगर मैं पूछूं ओवरऑल तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि व्हाट वाज द लेवल ऑफ इंटरव्यू, लाइक इट वाज इजी टू मॉडरेट और इट वाज लाइक काइंड ऑफ हार्ड इंटरव्यू? नो, इट वॉज इजी टू मॉडरेट, या इजी टू मॉडरेट। और व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ दिस इंटरव्यू? ड्यूरेशन वॉज 20 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स, और एक ही सर थे इंटरव्यूअर। और इंटरव्यू ऑन टाइम शुरू हो गया था? नो, मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था आज 8 मार्च को 10:20 में, लेकिन मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ जब मैं लॉबी में गया तो ऑलरेडी दो लोग थे, तो मेरा आई थिंक आई गेस 11 को शुरू हो गया है। राउंड ऑफ 40 मिनट मैंने वेट किया लॉबी में, फिर मेरा अच्छा, पैसेंजर प्रोवाइड करता है इंटरव्यू लॉबी, वो भी एकदम स्मूथ है, तो किसी को मतलब वहां पे पहले ही आ जाता है कि आपका नंबर अभी अभी रहेगा, तो इतना कुछ हार्ड नहीं रहता। अगर तुम कुछ ऐसा सजेस्ट करना चाहो इंटरव्यू से पहले कि व्हाट आर दी सम स्टडी मटेरियल दैट वन कुड रेफर और कहाँ से कोई प्रिपेयर कर सकता है पर्टिकुलरली एक्सेंचर के इंटरव्यू के लिए, तो वो क्या क्या जगह हो सकती यस है? यस 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 सो आप जावा टी पॉइंट वेबसाइट करके, वहां पे एसेंचर हाँ के मॉक इंटरव्यू, हाँ, और उनके क्वेश्चंस है, टेक्निकल क्वेश्चंस है, वहां से कर सकते हैं। गिग्स फॉर गिग्स पे भी बहुत सम इंटरव्यू एचआर इंटरव्यू क्वेश्चन है, एसेंचर के रिलेटेड भी क्वेश्चन है, और बाकी तो बस मैंने ऐसे किया था, और बाकी जो यूट्यूब वगैरह पे सजेशंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग किया था। आप तो मतलब वैसे अकॉर्डिंग डायरेक्ट, टू यू, अकॉर्डिंग टू यू की बेसिक अगर नॉलेज है हर सब्जेक्ट के बारे में, और बेसिक मतलब अगर एक प्रोजेक्ट के बारे में अपना नॉलेज है, तो इट इज यस लाइक यस इजी टू यस क्रैक एसेंचर इंटरव्यू, है ना? इतना मतलब यस इतना हाँ, सफिशियंट है तो. इतना सफिशियंट है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो प्रोजेक्ट रिलेटेड, जो आज मेरे दोस्तों के भी इंटरव्यू हुए हैं, उन्हें हाँ कुछ कुछ दोस्तों को लाइक उन्होंने प्रोजेक्ट रिलेटेड पूछा है, कौन सी टेक्नोलॉजीज पे अपने प्रोजेक्ट में वर्क किया है वो पूछा है, और मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मुझे प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई पूछा नहीं। एक्चुअली उनके पास मेरा रेज्यूमे था, तो उन्होंने सब मेरा पॉइंटर वगैरह और फेल प्रिंट वेल के सब पूरा देख लिया था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मेरे इंटर्नशिप क्वेश्चन पूछे। अच्छा, तो मतलब इट इज नेसेसरी कि अगर आपने उसको रिज्यूमे दिया है तो यू शुड प्रिपेयर योर रिज्यूमे वेल बिफोर इंटरव्यू, है ना? एक बार अपना यस रिज्यूमे यस जरूर यस रिवाइज कर लो। जो हाँ, जो आपने रेज्यूमे में लिखा है वो सब एक बार देख लो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन ही करेंगे। और बाकी जब मैं कम्युनिकेशन टेस्ट असेसमेंट दे रहा था, तो फिर वो भी मतलब थोड़ा उसका लेवल मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इजी रहेगा, वैसे उन्होंने प्री प्लेसमेंट टॉक में ऐसे दे हैव सेड कि मतलब आपका लेवल इजी रहेगा और ये नॉन एलिमिनेशन रहेगा, लेकिन फिर भी अपन जब नॉन एलिमिनेशन राउंड बोलते हैं तो फिर थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, वो थोड़ा मुझे हार्ड लेवल लगा कम्युनिकेशन टेस्ट का। बहुत से डिफरेंट इंग्लिश एक्सेंट है, लाइक ब्रिटिश इंग्लिश है, यूएस इंग्लिश हाँ, है, अफ्रीकन इंग्लिश है, तो वो उनको मतलब सुन के वो समझना, कोई कोई एक्सेंट में थोड़ा, हाँ वो कम्युनिकेशन असेसमेंट का राउंड ऑफ थोड़ा हार्ड था, मतलब मॉडरेट टू हार्ड था, नॉट पूरा हार्ड बोल सकते अपन, तो मॉडरेट टू हार्ड था। मॉडरेट टू हार्ड। और हाँ, और जो भी मेरे एक दो दोस्त थे उन्हें कम्युनिकेशन टेस्ट री असेसमेंट शेड्यूल हुआ, मतलब उनका फर्स्ट इसमें उन्होंने सबमिट किया, लेकिन उसके बाद उन्हें फिर से मिला है कि आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट आपको फिर से देना पड़ेगा,
तो फिर हाँ वो नॉन एलिमिनेशन रहता है, कम्युनिकेशन असेसमेंट राउंड, बट फिर भी मैं बोलूंगा कि उस पे जो फोकस देना चाहिए। तो ठीक है सिर्फ हम लोगों ने मतलब ओवरऑल मोस्टली कवर अप कर लिया है. सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस. ठीक है थैंक यू सर। तो